इसके लिए चाहिए हमें 2 चम्मच तेल, 1/2 चम्मच सरसों, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे फ्लेम मीडियम रहेगी। अब 10 से 15 कड़ी पत्ता डालेंगे। 1 छोटी चम्मच जीरा डालें। अब इसे थोड़ा सा चलाएं। 3 मिर्ची कटी हुई डालें। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 नमक डालें स्वाद अनुसार, 6 उबले हुए आलू डालें मैश करके। अब इसे अच्छी तरीके से मिला लें। ये अच्छी तरीके से मिल चुका है। 2 चम्मच हरा धनिया कटा हुआ, 2 छोटे चम्मच नींबू का रस। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। एक कप बेसन लेंगे, उसमें 1/2 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, पानी डालेंगे ज़रूरत के अकॉर्डिंग। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बेसन का बैटर इसी तरह स्मूद होना चाहिए। अब इन बॉल को हम बेसन में डुबो के तलेंगे। तेल गरम रहेगा और फ्लेम मीडियम रहेगी। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये हरी मिर्च बीच में से थोड़ी कट करके तले, नहीं तो ये चटकेगी, और थोड़ा ध्यान से करें। अब हम इसे निकाल लेंगे और बड़ा पाव के लिए चूड़ा बनाएंगे। वही बेसन को हम चम्मच से तेल में डाल देंगे। हम इसे गोल्डन होने तक तलेंगे, फिर निकाल लेंगे। अब हमारा चूड़ा रेडी है। सारी चीजें ले लेंगे और पाव को आधा कट कर लेंगे। अब हम इसमें ग्रीन चटनी लगाएंगे। फिर इमली की चटनी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लहसुन की चटनी डालेंगे, फिर बड़ा रखेंगे, फिर चूड़ा डालेंगे, एंड लास्टली तली हुई मिर्ची। अब हमारा मुंबई का फेमस बड़ा पाव तैयार है। सो टेस्टी। रेसिपी पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।